नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं सीरीज एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में हम चार ऑसम साइंस एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे लगते हैं तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा या फिर किस एक्सपेरिमेंट के बारे में आप पहले से जानते थे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना सबसे पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं एक प्रिज्म से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास एक प्रिज्म है, ठीक है, और उस प्रिज्म को मैंने धूप में रख दिया है। और जब हो क्या रहा कि जब लाइट इस प्रिज्म से पास कर रही है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है भाई। वाह गाइस देख रहे हो, यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनना है, ठीक है। इसे स्पेक्ट्रम मतलब होता है कि कलर, जो वाइट लाइट आती है, ठीक है, जब वो प्रिज्म से पास करती है फिर उसके बाद जो आपको कलरफुल पैटर्न्स मिलते हैं, ठीक है, उसे आप स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक वाइट पेपर रखूँ इसके ऊपर, ठीक है, तो आप अच्छे से देख पाओगे गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान से दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ कि वो क्या रहा है, मतलब ऐसा हो क्यों रहा है। अब भाई ये प्रिज्म है, ठीक है, जब व्हाइट लाइट आती है, ठीक है, इस प्रिज्म से मतलब पास करती है, ठीक है, तो डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है दोस्तों। डिस्पर्स कहने का मतलब मेरा ये है कि एक ऐसा प्रोसेस है दोस्तों जिसमें आप व्हाइट लाइट को, ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको रेड दिख रहा है, फिर थोड़ा सा येलो है, यहाँ पे ऊपर पे ब्लू है, ठीक है, बीच में थोड़ा सा हरा कलर का, मतलब इस तरह से आपको 7 कलर्स मिलेंगे, ठीक है, जिस तरह रेनबो में होते हैं। वाह यार, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैंने इसे काफ़ी, मतलब जब मैं क्लास 7th में था तब मैं पढ़ी थी, लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, पता नहीं क्यों लेकिन अच्छी लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पे एक पाउच में मेरे पास है गांजा हीरोइन, जिंक सल्फाइड। तो दोस्तों ये जो जिंक सल्फाइड है, ठीक है, ये आपको वाइट कलर का दिख रहा होगा जब आप इसे देख रहे हो मेरे कैमरा के, ठीक है, वाइट लाइट में। लेकिन जैसे मैं इसे बंद करता हूँ, मैं अपने कैमरा की लाइट को बंद करूँ, उसके बाद देखना गाइस, ये आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा जैसा कि आप सोच रहे हो। तो भैया ये देखो, मतलब यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा अपीयरेंस दिख रहा होगा, ठीक है, इसके वाइटनेस की वजह से, ठीक है, तो ये अंधेरे में आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन गाइस होगा क्या कि जब मैं इस जिंक सल्फाइड के ऊपर इस अल्ट्रावाइट लाइट से इसे दिखा दूंगा, ठीक है, इन्हें अल्ट्रावाइट लाइट जब इसके ऊपर डालूंगा और उसके बाद जब अंधेरा करूंगा, तो भाई होगा क्या ये आप खुद ही देख लो। जब मैं लाइट बंद करता हूँ उसके बाद इसके ऊपर अल्ट्रावाइट लाइट मार दूंगा। तो गाइस यहाँ पे मैं अल्ट्रावाइट लाइट डाल चुका हूँ, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। अब देखना गाइस, मैं इसे अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये प्योरली अल्ट्रावाइट नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी बार अगर आपने मेरे अल्ट्रावाइट लाइट वाले एक्सपेरिमेंट देखे हो। तो गाइस यहाँ पे देखो, अभी देखना गाइस, ठीक है, मैं इसे थोड़ा देर तक ऐसे दिखा देता हूँ इस जिंक सल्फाइड के ऊपर, और उसके बाद जब मैं अल्ट्रावाइट लाइट बंद करूँगा तो आप ध्यान से देखना भाई क्या होगा। तो बंद करते हैं अल्ट्रावाइट लाइट, 3, 2, 1। वो गाइस कब कुछ दिखा, कुछ दिख रहा है आपको? मतलब कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन अगर आप आँखों से देखोगे ना तो देख पाओगे, ये ग्लो कर रहा है सेम उन्हीं खिलौनों की तरह जो कि पहले आते थे, ठीक है, और ग्लो करते थे रात में, ठीक है, रखने पे। दोस्तों ये जो फेनोमेना है जिंक सल्फाइड का, ठीक है, जलने का अंधेरे में, ठीक है, इसे कहते हैं फॉस्फोरेंस। फॉस्फोरेंस एक तरह का फोटो ल्यूमिनेसेंस है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी केमिकल से लाइट एनर्जी का निकालना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो जिंक सल्फाइड है ये अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और उसके बाद इसे एमिट कर रहा है, यानी खुद से बाहर निकाल रहा है। आसान भाषा में कहूँ, यहाँ देखो मैं बंद करता हूँ, फिर से दिखा दूँ आपको, देखो जल रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पे कुछ केसेस में होता क्या है दोस्तों, ठीक है, जिंक सल्फाइड इतना प्योर होता है कि कुछ महीनों तक या फिर कुछ घंटों तक, काफ़ी देर तक जलता रहता है और काफ़ी इंटेंस लाइट है। मेरा उतना प्योर नहीं है जिस वजह से आप देख पा रहे हो। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास दो फ्लास्क है, इस वाले फ्लास्क में मैं पहले थोड़ा सा प्याज का रस डालूंगा और इस वाले फ्लास्क में भी डालूंगा, और फिर उसके बाद एक फ्लास्क में एसिड और एक फ्लास्क में बेस डाल के दिखाऊंगा कि क्या किसी को कलर चेंज आता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों मैं इसके अंदर पहले प्याज का रस डाल देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं इसके अंदर प्याज का रस डाल देता हूँ। अब भाई ये दोनों देख लो आप, इसके अंदर कोई भी कलर चेंज नहीं आया, जितना इनका थोड़ा सा हल्का सा हरा रंग का फिर हल्का सा पीला रंग के थे उसी तरह से हैं। अब एक के अंदर मैं एसिड डालता हूँ और एक के अंदर थोड़ा सा बेस डालूंगा। इस वाले फ्लास्क के अंदर मैं एसिड डालने जाता हूँ, ये सल्फ्यूरिक एसिड में डालता हूँ थोड़ा सा। तो भाई आप देख रहे हो कि एसिड डालते ही, ठीक है, ये जो है थोड़ा सा रेड कलर का, फिर थोड़ा सा पिंकिश कलर का, फिर पानी के कलर का हो गया। अब इसके अंदर बेस डालते हैं, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स डालने वाला हूँ, और ये इन्हें फ्लेक्स कहते हैं, क्रिस्टल्स और फ्लेक्स का थोड़ा सा अंतर होता है। तो गाइस आपने देखा
कि जैसे ही मैंने फ्लेक्स डाले, ठीक है, ये डार्क हरे कलर का हो गया और ये थोड़ा सा पिंक या फिर थोड़ा सा पानी कलर का हो गया। इसमें थोड़ी सी रेडनेस है और इसके अंदर जिसके अंदर बेस है वो डार्क हरे कलर का हो गया है और ये थोड़ा सा पिंक कलर का हो गया है। तो इस तरह से आप एक प्याज के रस को, ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस इसके अंदर अगर हमने थोड़ा सा यूनिवर्सल इंडिकेटर डालूं, ठीक है, जो कि पीएच बताता है, तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ये है मेरे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कि मैंने थोड़ा सा हाइड्रोजन परऑक्साइड की बॉटल में निकाल के रखा हुआ। मैं थोड़ा थोड़ा डालता हूँ इसके अंदर, बहुत ही थोड़ा सा। तो गाइस ये देख सकते हो कि ये वैसा ही रहा, ठीक है, मतलब रेड कलर का हो गया जिस तरह का ये था, एकदम सेम उसी कलर का। अब इसके अंदर डालते हैं तो ये देखो गाइस ये क्या हो गया, ये एकदम डार्क ब्लू कलर का हो गया, ठीक है, फिर हल्का सा काले कलर का हो गया। तो देखो गाइस यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने पे क्या हुआ, एसिड वाला तो इस तरह रह गया लेकिन बेस वाला जो है एकदम नीले कलर का चला गया। ये पीएच का चेंज बताता है, पीएच जब एसिडिक रहता है थोड़ा सा लाल या फिर हरे ऑरेंज लगा रहेगा और जब बेसिक रहेगा, ठीक है, तो डार्क ब्लू या फिर थोड़ा सा वायलेट कलर का हो जाता है, इस तरह से हो जाता है भाई। तो देखो ये होता है, इस तरह से आप प्याज के रस को एसिड बेस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। चले चलते हैं अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो गाइस यहाँ पे आप एक पाउडर देख पा रहे होगे भाई। अब ये जो पाउडर है आप विश्वास नहीं करोगे ये किस चीज़ का पाउडर है। दोस्तों ये जो पाउडर है ये इमली के पत्ते का पाउडर है। अब आप सोचोगे कि इमली के पत्ते का पाउडर मेरे पास क्या कर रहा था। दोस्तों मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इससे, ठीक है, हालांकि वो अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है लेकिन जिस दिन हो जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा। आज हुआ क्या दोस्तों कि आज मैं इस इमली के पत्ते से कुछ करने जा रहा था तो मैंने सोचा इस इमली के पत्ते को धो लूँ थोड़ा सा, ठीक है, पानी से धो लूँ। लेकिन जब मैं पानी से धोने गया तो एक्सीडेंटली मैंने ये पाया कि ये जो है भाई ये जो इमली का पत्ता है, ठीक है, पत्ते का पाउडर है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है। और मतलब पूरा कम्प्लीटली हाइड्रोफोबिक नहीं है, ठीक है, पार्शली हाइड्रोफोबिक नेचर का है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास के अंदर मैं इस इमली के पत्ते को पूरा डाल देता हूँ। मैं इससे कुछ बना रहा हूँ, जिस दिन वो चीज़ बन जाएगी आप भी बोलोगे वाओ भाई कि इमली के पत्ते से दुनिया के किसी भी हाइड्रोकार्बन से हो सकता है। तो ये रहा भाई हमारे पास इमली का पत्ता, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब इसके अंदर मैं डालूंगा पानी। तो गाइस मैं पानी डालता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। आप चूंकि भीग जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो गाइस ये देखो मैं पानी इसके अंदर डालता हूँ, 1 2 3। देख रहे हो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ही इमली का पत्ता ऊपर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे उंगली यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरी उंगली, यहाँ पे देखो उंगली है मेरी, ठीक है, बाहर निकालूंगा कुछ नहीं, देख रहे हो, ये पानी ऊपर आ चुका है, ठीक है, एकदम हाइड्रोफोबिक सैंड की तरह बिहेव कर रहा है ये। देख रहे हो मेरी उंगली पूरे पानी के अंदर लेकिन भीग नहीं रही। देखो ये थोड़ा बहुत मैंने कहा था ना पार्शियली है, पूरा कम्प्लीटली नहीं है, ठीक है, मैंने इसे एक्सीडेंटली किया तब पाया हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने कोई किया हुआ था शुरुआत से तब जा रहा हूँ। ये देख रहे हो थोड़ा सा, वाह। तो इमली का पत्ता कुछ हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ठीक है, आज मैंने गलती से जान लिया है। तो गाइस ये होता है, ये मेरे चार एक्सपेरिमेंट्स हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो भाई प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।